हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ दिवाली के लिए बना रही हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है तो कुछ मीठा तो बनता ही है। और दिवाली में हमारे घर पे भर भर के मिठाइयाँ आती हैं, जिसमें शुगर और घी भर भर के रहते हैं, जिसकी वजह से जो लोग डाइट करते हैं, जो लोग डायबिटिक है, वो लोग ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते हैं मिठाई को। और जो भी मिठाई खाते हैं उसके बाद उनका डाइट और हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग भी कुछ मीठा बनाएंगे, बट इन्हें हेल्दी वे। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि दिवाली पे हेल्दी वे, शुगर फ्री, बट जो लोग डाइट कर रहे हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, उनकी हेल्थ के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। तो चलिए आज हम एक दिवाली स्पेशल शुगर फ्री मिठाई बनाते हैं, एक शुगर फ्री रसमलाई की रेसिपी। तो चलिए हम लोग रेसिपी शुरू करते हैं और शुगर फ्री रसमलाई बनाते हैं। चलिए, शुगर फ्री रसमलाई बनाने के लिए हमको चाहिए छेना। ये छेना को आप आराम से घर में दूध को नींबू या विनेगर से फाड़ के भी बना सकते हो। फिर चाहिए हमको कॉर्नफ्लोर जो कि 1 से 2 टेबलस्पून है। फिर हमको चाहिए इलायची का पाउडर एंड फाइनली चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स, भिगाए कुछ केसर जो दूध में भिगाए हुए, फुल क्रीम मिल्क जो कि 500 ml है। और मिठास के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर फ्री नेचुरल और स्टिविया। आप चाहे तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी सामग्री हमको लगती है रसमलाई बनाने के लिए। तो चलिए पहले हम रसमलाई का दूध बना लेते हैं। इसके लिए अभी हम गैस पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे अपना फुल क्रीम मिल्क। दोस्तों फुल क्रीम मिल्क ही लेना, क्योंकि फुल क्रीम मिल्क में मलाई अच्छे से आती है, तो ये वाला जो रसमलाई का जो दूध होता है बहुत अच्छे से बनता है। तो ये सारा दूध इसमें डाल देना है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। और इसको एक बार चला लेंगे और देन वेट करेंगे कि एक बॉयल आ जाए। तो ये देखिए धीरे धीरे अभी बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इसे अभी गैस को कर देंगे लो और एक स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे से चला लेंगे। और इसे चलाते हुए हमको रिड्यूस करना है, जैसे कि 500 ml का दूध है, हमको 300 या 250 ml तक ही लाना है इसको। तो इसको ऐसे चलाते हुए लाना है, क्योंकि वरना नीचे से दूध लग जाएगा। तो अभी देखिए मलाई भी आना शुरू हो गया है, तो मलाई को अच्छे से साइड से निकाल के इसको अंदर दूध के अंदर मिलाना है, ताकि दूध बिल्कुल मलाईदार और गाढ़ी बन जाए। अभी देखिए दूध धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे अपनी जो मलाई जो हम केसर भिगा के रखे थे इसमें, क्योंकि केसर का कलर आ जाएगा। इसके बाद हम डाल देंगे इलायची का पाउडर और इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। अभी देखिए गैस हमेशा लो पे ही रहना चाहिए। और ये देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। और कुछ देर बॉयल करने के बाद आप देखिए केसर का कलर भी इसमें आना शुरू हो गया है। तो अभी देखिए इसमें बिल्कुल केसर का कलर आ गया है और हम जितना गाढ़ा चाहते हैं उतना गाढ़ा हो गया है। और बंद करने के बाद ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और अभी इसी में हम डाल रहे हैं शुगर फ्री। अगर आप शुगर फ्री अवॉइड करना चाहते हो तो इस बंद करके आप गुड़ भी इस टाइम पर डाल सकते हो। और देखिए अभी ये थोड़ी देर मिलाने के बाद इससे गैस को हम बंद कर देंगे और डाल देंगे अपना ड्राई फ्रूट्स। और इसको ठंडा होने के लिए हम साइड में अभी रख देंगे। और इसी टाइम पे हम बना लेंगे अपना जो छेने का बॉल। ये देखिए इसके लिए हमें चाहिए छेना। छेने को हम अच्छे से पानी निकाल के लेना है, ज़्यादा पानी नहीं रखना है छेने में। और अपने हाथ की जो निचली हिस्सा है उसी से ही इसको प्रेस करते हुए आपको स्मूथ करना है, बिल्कुल कि जो छोटे छोटे दाने हैं ना उसे बिल्कुल तोड़ के स्मूथ सा एक टेक्सचर देना है, जो सिल्की टेक्सचर आता है वैसी तरह का। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 5-7 मिनट आपको लगेंगे। अब पेशेंसली इसको अच्छे से आप प्रेस करके करना है। ये देखिए धीरे धीरे देखिए टेक्स्चर आ रहा है। ये देखिए अभी कितना धीरे धीरे बंद में कर रही हूँ।
अभी देखिए स्मूथ हो गया, बिल्कुल आपको इसी टेक्सचर में लाना है। बस बाइंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, ज़्यादा कॉर्नफ्लोर आपको बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डाल दोगे तो आपकी जो बॉल है वो बिल्कुल भी स्पंजी नहीं बनेंगे, वो टाइट बन जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर ऐड किया है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, कोई नीडेड नहीं है। तो आप देखिए इसे अच्छे से बाइंड हो गया है, एक डो बन गया है ये। और इस ये डो से हम बना लेंगे अपना रसमलाई के लिए बॉल्स। ये देखिए तो बॉल हम छोटे छोटे बनाएंगे और गोल नहीं बनाएंगे, थोड़े से चपटे से बनाएंगे हम इसी तरह से। और इसमें ना क्रैक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना हो तो बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल ही आपको बनाना है। तो सबको ऐसे छोटे छोटे से बाकी सारे हम बना लेंगे। ये देखिए मेरे सारे बन के रेडी हो गए हैं बॉल्स। अभी है बड़ी सी मतलब जगह लेंगे वाइड वाली, जहाँ पे हम पानी को बॉयल करेंगे। और पानी बॉयल करते ही उसमें हम डाल देंगे अपनी छेने की बॉल। मैं एक वाइड सी जगह इसीलिए लेने के लिए बोल रही थी क्योंकि जो बॉल है ना वो थोड़े से बड़े होंगे, तो जगह चाहिए इसीलिए बड़ी जगह मैंने ली है। और इसको 10 मिनट के लिए हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम आके इसको थोड़ा सा इसे पलट लेंगे, और पलटने के बाद 1 मिनट तक इसको पका लेंगे। और उसके बाद देखिए ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। और इसको हम निकाल लेंगे अपने एक आइस वाटर में ठंडा होने के लिए। और बिल्कुल ठंडा होने के बाद इससे हम निकाल लेंगे अपना एक्स्ट्रा वाटर, और इसको डाल देंगे अपनी जो दूध हमने पहले से बनाया हो रखा था, और इसमें इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको डाल देंगे फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए। हमारी शुगर फ्री रसमलाई बनके तैयार हो गई है। दिवाली में इस रसमलाई को एंजॉय, गिल्ट फ्री एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल।